कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है. बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात मैं आपको बताऊँ, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है. जब पड़ेगी ना ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इशू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता. तो अगर बताना सच है तो सच बताना है दोनों पहलुओं के साथ. कभी कभी अगर आप एक, अगर मैंने एक पार्ट, एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी. बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती. अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं. And I also want to just add something to her. और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं. जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जो मैंने कहा पहले भी. लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है. फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है. अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं. हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की. ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं. WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में होलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था. इन 59 लोगों में से किसको, 2 लोगों के नाम भी पता है, किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है. इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए. साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए. That's all I want to say. I'm a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question to you is basically, even a book has been released, school book basically, which discusses a chapter of Godhra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is, if you see, there is so much rich research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीज़ें हुई हैं. बट फिल्म में हम सब की सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें जो कॉमन, मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया, हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कम्प्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बनाए. कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे हमने, इवन दो दैट नॉलेज वाज विद अस अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, नॉट अबाउट एनी पार्टी, लेट मी अगेन से दैट इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टी और दिस एंड दैट, बट कौन सी चीज़ें हुई थी, बट ये सब कॉन्स्पिरेसीज भी थी. तो कॉन्स्पिरेसीज पे नहीं बनाया हमने, नॉलेज के साथ बनाया, फैक्ट के साथ बनाया. इट्स बेसिकली कुछ चीज़ें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में. ये दोनों एक्ट बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसीलिए है बिकॉज ये
59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट कॉन्स्पिरेसी भी है और ये इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती. बट आप बट एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कॉमेंट्री, जो मैं एक्चुअली मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ. मैं पहले टीका पहनती थी, यू नो, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहनकर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूँ अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स. तो मुझे ऐसा लगता था एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ. इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं. आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है. ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है. ये फिल्म एक सोशल कॉमेंट्री.